हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डेक्सी टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करती है फाइजर लिमिटेड और इसके एमआरपी की बात करें तो 15 टेबलेट के है 63 रुपीज। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि डेक्सी टेबलेट किन किन समस्याओं में काम में ली जाती है और क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों इस टेबलेट के कंटेंट की बात करें तो वो है सेरटालाइन, इसलिए ये टेबलेट काम आती है डिप्रेशन की समस्या में, पैनिक डिसऑर्डर में, किसी किसी लोगों को सोशल फोबिया की समस्या होती है, अधिक डर लगता है, घबराहट की समस्या होती है, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में ये टेबलेट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा दिमाग की कमजोरी या फिर अधिक भ्रम की स्थिति, अल्जाइमर की समस्या, अधिक भूलने की बीमारी और कुछ महिलाओं को पीरियड से पहले डर और बेचैनी की समस्या रहती है। इसके अलावा दोस्तों अधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, उदास रहना या फिर उत्साह की कमी होना, इस प्रकार की सारी न्यूरो संबंधी समस्याओं में ये टेबलेट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और दोस्तों इस टेबलेट की अगर डोज की बात करें तो वह डॉक्टर तय करेंगे आपकी वर्तमान स्थिति के ऊपर कि आपको 25 mg, 50 mg या फिर 100 mg टेबलेट की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस टेबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे कि भूख नहीं लगना, पसीना अधिक आना, डायरिया की समस्या होना, पावों में बेचैनी होना या फिर अधिक उत्तेजना की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर आपको लक्षण नज़र आए तो आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। वैसे इस टेबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो शुरुआती 7 दिनों तक ही रहते हैं। वैसे दोस्तों पेट से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए डॉक्टर इसके साथ में एंटासिड को भी देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।